नवंबर पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक आरोपी 370 जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरे मामले में सेंधमार गिरोह के दो लोग अरेस्ट हुए हैं। इनसे 12 लाख के सामान बरामद हुए हैं। पुलिस आयुक्त ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नवंबर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने दो अलग अलग मामलों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने बताया कि पहला मामला 500 के फर्जी करेंसी का है, जिसमें सलीम अली और श्रील हक को गिरफ्तार किया गया है। सलीम अली के घर से 500 रुपयों के कुल 370 जाली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस मामले में जांच करने में जुटी है कि आखिर सलीम के साथ और कौन कौन लोग थे और ये नकली नोट कहां पर छापे जा रहे थे। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने घरफोड़ी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों महेश मीका चौधरी और आदित्य दीपक रामचंद्र राणा उर्फ रैना को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त विपिन सिंह ने बताया कि दोनों के नाम कुल 4 मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद इनसे 262 ग्राम के सोने के गहने समेत कुल 12,58,000 की सामग्री जब्त की गई है। आइए सुनाते हैं पुलिस आयुक्त ने और क्या जानकारी दी। अच्छा, टोटल 4,05,000 सा मुद्देमाल सोने सदस्य दागिने आणि कॅश रक्कम हे जप्त करण्यात आली आहे। रिकॉल करण्यात आली एक वेगळी मोडस ऑपरेशनचा हा गुन्हा होता आणि तो डिटेक्ट करण्यामध्ये क्राईम ब्रांचला यश आलेलं आहे। टोटल APMC याच्यामध्ये 4,05,000 आहे आणि एकूण संपूर्ण रक्कम जी आहे 262 ग्रॅम सोन्याचे दागिने 12,58,600 किमतीचे रिकॉर्ड करण्यात आलेले। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।